हमने डेकोरेशन के लिए भी पूरा सामान ले लिया है और केक नहीं पेस्ट्री ले लेंगे हम पूरा सामान लेके आ गए हैं। अभी तो आपको ये खाना दिखा है पीछे ना डेकोरेशन वाला भी है थोड़ा खर्चा करा लिया डेकोरेशन वाला ये पीछे पीछे पेस्ट्रीज लेके आ रही है क्योंकि हमको जनरली इतना केक पसंद नहीं तो हम लोग पेस्ट्री ले लिया खर्चा करा के आ गए हैं अब उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत खर्चा हो गया मेरा अब चलते हैं घर अभी मेरे को ड्रेसेस निकाल लिए तो अब ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं खुला होगा खुला है नहीं खुला है हम अपने स्थागित स्थान पर आ गए मैंने क्या बोला मुझे कुछ समझ आ रहा है बट हाँ जो भी है हम अपने अड्डे पे आ गए और अब हम जा रहे हैं पूरी तैयारी करने के लिए स्नेहा भी आने वाली है अरे हरे बहुत आवाज़ होती है हमारे डेकोरेटर्स आ गए और स्नेहा भी झाड़ू लेके आ गई है झाड़ू लगाई गई है और मैं तुम लोग को देखूंगी मार दिए दो कंटाप असली कनकुरिया एक्सेंट निकला है ये मार दिए दो कंटाप रात के 10:30 बजे हम काम कर रहे हैं ये पता सबसे बड़ा वाला बल्ब ना बहुत काम आता है मेरे जलाओ ये देख अच्छे से लाइट हो गई ना काफी और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरा डेकोरेशन कर देंगे तुम्हारे बैठने के लिए नहीं भाई ये कहाँ से लगाए हैं मजदूर भैया हाँ जरा संभल के करिए ना हाँ लव तो डाली सामान हाँ ये दो हमें वो वाला दो पहले एंड वाला एंड वाले टेप को यहाँ चिपका दी और ये नीचे से फॉल हो जाएगा वो ग्लू स्टिक्स कहाँ है मुझे तो और थोड़ा उधर से लेके जाओ मैं पता है इसीलिए मना करती थी कि ये फ्रिंजेस ये वाली मत लगाओ अभी रुको 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 आराम से हाँ एक ब्लू स्टिक है ना हमारी डेकोरेशन पूरी हो चुकी है खड़ा नहीं हुआ जा रहा है फिर हट यहाँ से हट हट हम नीचे की तो करें वो ये देखिए पूरी हमारी वो हो चुकी है और ना पहले जो ये बड़ा वाला जीरो था ना ये बहुत अजीब लग रहा था तो फिर हमने इसी को एज अ जीरो बना दिया बट ये अच्छी लग रही है ना मैं इधर झाड़ू मारूं अच्छी लग रही है बट अब हम लोग ने इसको तो अच्छा कर लिया अब हमें अपने आप को अच्छा करना तो हम लोग अभी मैं बोल रही हूँ ना अभी मैं बस अब थोड़ा सी पेट पूजा करके फिर हम लोग भी सुंदर सुंदर बन जाएंगे एंड फिर हमें ना अभी टेंट वाला भी सिस्टम बिठालना है देखो हमने तो हाँ मतलब टेंट जैसा बनाएंगे फिर उसके अंदर हम लोग मूवी देखेंगे सोचा तो हमने आग वाला भी था ऐसे काइंड ऑफ अ बॉनफायर जैसा पर वो देखो होता है कि नहीं पर ये दो चीज़ें सोचिए टेंट वाला तो फॉर श्योर होगा आग वाला होता है कि नहीं मुझे नहीं पता बट अभी बहुत तेज भूख लग रही है हमने कोई ऐसा पिज्ज़ा वगैरह ये सब नहीं मंगाया है पाव भाजी मंगाई है और चाइनीज़ खाना मंगाया है आ जाता है देन फिर आई ब्लॉग अभी तो कुछ नहीं करेंगे सब समेटेंगे और तैयार व्यार होते हैं सर्दी बहुत लग रही है बस खिड़की से कूद जाए तमन्ना इतनी फेक स्माइल कौन आ रहा है साजन जी घर आए आ गया है चलो अब नीचे चलते हैं क्योंकि आंटी अकेली हैं तो फिर उनके साथ खा लेते हैं चल के स्नेहा ने एक ऐसे घोस्ट एनकाउंटर वाली स्टोरी सुना दी थी तब हम लोग ये देखो देखो अब हम लोग भगवान जी के गाने सुन रहे हैं टेंट की तैयारी कर रहे हैं पर बहुत डर लग रहा है हमारी पूरी डेकोरेशन हो गई एंड हमने केक नहीं हमने सिर्फ ये पेस्ट्रीज ली हैं अब हम कहीं पार्टी ऐसे क्लबिंग वगैरह नहीं जा सकते घूमने नहीं जा सकते तो हमने एक बहुत अच्छा सा बना लिया कि घर पे फ्रेंड्स नाइट स्टे पार्टी करेंगे एंड बस हम कैंडल लगाने वाले हैं और अब बिल्कुल भी टाइम ही रह गया थिंक सो एक दो मिनट ही रह गया एक मिनट रह गया लेट्स डू काम डाउन टुगेदर आ जाओ हमारे पास ना मैं ट्राईपॉड लाना भूल गई हूँ जिसपे ऐसे पीछे से लगा हो
हम अच्छे से दिख पाए, तो कोई नहीं, हमने सोचा कि आप ही को देखना है और हमें सेलिब्रेट करना है। हम एक फ्रेम में आ जा रहे हैं तो हमने सोचा हम ऐसे ही रख लेते हैं। ले तू कर ले इधर से दूर से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबके साथ में। चलो चलो लेट्स मेक अ विश कि हमारा ये ईयर अच्छा जाए। 2023 तो बहुत ही सारे टंटों से भरा हुआ था, पर ये हमारा ईयर अच्छे से जाए। एंड लेट्स मेक अ विश एंड ब्लो द कैंडल्स। आ जा ले चल। खर्चा किया है। देखो ऐसे देखो कितनी अच्छी अच्छी वाली कैंडल्स नहीं हमारे टाइम पे, तो वो मेरे बर्थडे पे भी ये लोग ऐसे मैजिक वाली कैंडल्स ले आए थे। ये बेचारी भूख भूख के परेशान हो गई थी। पर चलो ना ये लो, हमने हम केक वेक वालों में से नहीं है तो हम पेस्ट्री लाए थे, तो ये लो। नहीं, मैं केक पर्सन। पहला बाइट आपके लिए। चलो इसी से ऐसे कर ले क्या तीनों लोग। तूने खा लिया? खाइस नहीं, खा लिया, लग गया। The next day. Good morning. मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं ऐसे अच्छे से टेंट वेंट सब बनाएंगे। टेंट बनाया था बट वो सब मतलब थोड़े देर के लिए बनाया था, बस फिर वो सब टूट भी गया। तो फिर मैं सोचा कि अब जब टूट गया तो क्या ही है, और हम लोग बस फिर ऐसे ही सो गए थे सब। देखो एक ही गद्दे में तीन, इतने छोटे से गद्दे में तीन तीन था। एक और गद्दा था पर इतना डांस कर करके और मैंने डांस वाला पार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर उसमें कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने वो नहीं लिया। तो हम लोग बस मूवी देख रहे थे और मूवी में भी ऐसे कंबल के अंदर पड़ के मूवी देख रहे थे, तो मतलब सर्दी लग रही थी बहुत कस के, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं या कुछ ऐसे करूं। तो बस मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट विद माय फ्रेंड्स। तो टेंट का तो जो भी है वो पूरा ऐसे सब टूट चुका है, बट हाँ अभी उठ गए हैं, थोड़ा सा ऐसे सेटल डाउन कर रहे हैं। बट हाँ लास्ट नाइट वॉज फन फॉर एवरीथिंग। चलो उठते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपना अच्छा, हम लोग ने ना रेजोल्यूशंस तो ऐसा सच कुछ बनाए नहीं क्योंकि हमें पता है वो कुछ कंप्लीट होने नहीं वाले, बट अगर आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हैं तो बताना मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन पे कि आपने 2024 के लिए क्या रेजोल्यूशंस बनाए। बाकी व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं कुछ तो एक ऐसा ना प्रोडक्टिव वीडियो काइंड ऑफ करूँ। अब वो सोच रही हूँ होगी कि नहीं होगी। हमने सोचा कि वैसे तो प्रोडक्टिव रहते नहीं है, साल के पहले दिन ही प्रोडक्टिव रह लें क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऐसे प्रोडक्टिव रहो, पहले दिन अगर जो करोगे वही फिर ऐसे अगले साल तक करते रहोगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कर लेते हैं, अगर रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, ठीक है। वो वैसे तो सबको ही पता मैं बहुत महा आलसी हूँ, पर ठीक है बहुत बातें कर ली हैं। अब यहाँ से सामान वामान समेट के घर जाएंगे 10 बजे, तब देखते हैं घर पे जाके। अभी मम्मा से भी मिलना है, सारा सामान समेट लिया है एंड सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन। यस, अंजिता को देख लो, वो हमारा टेंट भाई, क्या हालत हो गई हमारे टेंट की। भाई तुमने टेंट की तो एक भी वीडियो बनाई है। हाँ यार, अब पता फिर वो करने लगे ना, टूट गया, फिर अपन लोग मूवी वगैरह देखने लगे तो बनाई नहीं। बट ठीक है कोई नहीं, अभी तो बस ये जो था फ्रेंड्स के साथ था, अब घर पे जाएंगे। देखो मैं भी शतक से शाम के टाइम पे मैं मम्मी दादी जाते हैं हाँ, और अंशिता के मम्मी के साथ का भी प्लान है, तुम बताना घर पे जाके, ठीक है। इट्स अ रैप अप गाइस। रैप अप क्या, शूटिंग चल रही थी क्या जो रैप अप होगा? हाँ भाई, ये बेस्ट न्यू ईयर था। Meet the ओजी आंटी स्नेहाज मॉम। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, सब लोग आंटी को नमस्ते कर दो। आंटी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मैं पता, मैं इनकी सबसे लाडली हूँ, स्नेहा से भी ज्यादा लाडली मैं हूँ, है ना आंटी जी? हाँ हाँ, हंसते रहो तुम। हाँ ठीक ठीक, ये तुम्हारी जलन बोल रही है, जलन आंटी जलती है। हाँ, हाँ, नहीं तो हाँ, बढ़िया।
प्यार करते हैं। हाँ, देखा देखा ये तुम क्या वैसे न्यू ईयर है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू पैम्पर अस विद सम फ्लावर्स एज वेल जो मुझे पसंद नहीं है तो माँ हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू सबको हैप्पी न्यू ईयर मम्मा की तरफ से है ना सब लोगों को अच्छा मैं इन लोग के लिए रोज लाई थी कि मैं चारों को ना ऐसे से एक एक रोज दूंगी तुम्हें नहीं देंगे तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे नाइट स्टे तो किया था ब्रश भी करेंगे साथ में अंशिता मैं ही फ्लावर्स लाई थी तीनों के लिए और एक मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर पापा दोनों भी देखो तैयार हो गए हम लोग ना अभी मंदिर जा रहे हैं मैं भी अभी जाऊंगी तैयार होगी ये लोग थोड़ा पहले चले जाएंगे क्योंकि ये लोग ऑटो से जाएंगे बट आपके लिए दादी हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू बेटा थैंक यू और ये येलो वाला मम्मा के लिए हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पूरी सहेलियों के लिए हैप्पी न्यू ईयर मेरी I love you. सहेलियां यानी कि जो आप पूरा फैमिली यूट्यूब फैमिली है उसको दादी सहेलियां बोल रही है चलिए तैयार होके बिल्कुल जल्दी से आई लव यू वेरी मच शाम का वक्त हो चुका है एंड मैं बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही हूँ मैं एकदम ऐसे जो प्रॉपर बूढ़े लोग होते हैं ना एकदम मैं वैसी बनी हुई हूँ एकदम टोपा वोपा लगाए हुए हैं एकदम ऐसे स्टॉल वॉल डाले हुए एकदम से क्योंकि ना मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही थी और फिर मैं बैठे बैठे सिर्फ एडिट कर रही थी अपना बर्थडे व्लॉग आई नो बहुत ज्यादा लेट हो गया है बर्थडे व्लॉग अपलोड करने में था मेरा बर्थडे कब दिसंबर में एंड मैं अभी डाला है मैंने आई थिंक सो 2 तारीख को या 1 तारीख को मैं अपलोड करूंगी उसे जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा तो आप जाके जरूर मेरा 22nd बर्थडे वीडियो देखना इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरा जाके पुरानी वीडियोस देखना अभी हो रहा है शाम का वक्त और हमने सोचा है कि न्यू ईयर वाले दिन हम आलू के परौंठे खाएंगे साथ में टमाटर और धनिया की चटनी विद लहसुन का तड़का एकदम अच्छे से तो बस मम्मा उसी की तैयारी कर रही है और मम्मी भी मेरी एकदम टोपा लगा के क्यूट क्यूट सी बनी हुई है मम्मी और आपको टोपा लगा के बहुत क्यूट लग रहे हो मैं ही नहीं लग रही है तो मम्मी चटनी की तैयारी कर रही है आप हटो अच्छा मैं पीस रही हूँ ठीक है बाकी ये रहा आलू पराठे के लिए आलू एंड मम्मा बनाएंगी पराठे एंड मैं चटनी पीस ले रही हूँ मम्मा ही पीसने लगी मम्मी से वेट नहीं होता मेरी पीसने लगी चलो मैं क्या करूँ वीडियो में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है हमेशा इफ दिस हैपेंस विद यू एज वेल तो मुझे कॉमेंट में बताना देखो मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है बट स्विच नहीं खोला हुआ है फिर मैं जब बाद में देखूंगी किल्ला है फोन तो चार्ज हुआ ही नहीं तब बाद में नजर जाएगी डायरेक्ट है अच्छा हाँ हो रही है मेरी चार्ज हो रहा है चलो ठीक है ये देखो आटा निकाल दिया मम्मी ने अब मैं बस जल्दी से ना पराठे सेक लेती हूँ अपने लिए गरम गरम पराठा शेप थोड़ी अच्छी नहीं बनी है पर ठीक है चलेगा मैं बहुत गंदी लग रही हूँ इस वक्त पर ठीक है इग्नोर करो मुझे मैं बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना तो वो थोड़ा सा एक अलग साइड देखने को मिलेगा अभी मैं बहुत ही ज्यादा वो लग रही पर ठीक है कोई नहीं आई हैव टू साइड्स एक वो भी है एक ये भी है एंड दोनों ही रियल है चलेगा मम्मा चटनी रख दो इसमें क्या पता मुझे चटनी पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है ऐसे और इसमें से लहसुन वहसुन पड़ा होता है ना तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है थोड़ी और प्लीज बस और फिर मैंने अचार भी रख लिया है एंड चलो अपना डिनर करने चलते हैं पापा अब मैं देखूंगी प्लीज हाँ थोड़ी देर डोरेमोन देख लेने दो प्लीज यार देख लेने दो 10 मिनट प्लस पापा प्लस पापा नहीं देखने देंगे पापा न्यूज ही देखेंगे और अभी तो वो ट्रांसपोर्ट वाली भी जो स्ट्राइक चल रही है तो इसके लिए मेरे पापा इज मोर इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है क्या खबर है क्या सब है तो चलो ठीक है कोई नहीं हम लोग मैं इसी फोन पे ही देखते देखते खा लूंगी कुछ शिनचैन या हॉरिड हेनरी देख के मैं कुछ खा लूंगी तो चलो अब क्योंकि मैं फोन पे ही देख के खाऊंगी तो फिर मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाऊंगी सो एक बार मैं खाना खा लूँ तब मैं मिलती हूँ गुड मॉर्निंग इट्स द नेक्स्ट डे एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी आई थिंक सो हाँ मतलब
दिन तो नहीं हो रहा है, दोपहर होने हो गई है, 12:30 हो रहा है, 12:25 एंड मैं अभी बस बैठे बैठे कुछ शॉर्ट्स वगैरह एडिट कर रही थी, अपनी बर्थडे वीडियो ही एडिट कर रही थी। सो चलो नाश्ता करते हैं। मैंने ब्रश व्रश कर लिया है एंड नाश्ते में आज बहुत ही अच्छी चीज बनी हुई है। देखो पापा ना बनी क्या लेके आए पापा। सो आज पापा ये खस्ता और सब्जी जो आती है ना वो लेके आए हैं। एंड प्लीज पीछे थोड़ा सा क्लटर्ड है क्योंकि आज सारे कपड़े वपड़े धुल रहे हैं तो इसके लिए। एंड दोपहर के खाने के लिए मेरी सबसे फेवरेट चीज दही के आलू और चावल बन रहे। ये रहे चावल, ये रहे दही के आलू। आप मैं अच्छे से हो, वो स्टीम की वजह से थोड़ा कैमरा वैसा हो गया था, बट दही के आलू मेरे फेवरेट है। एंड मतलब हमारे साइड में दही के आलू नहीं मठे के आलू बोले जाते हैं क्योंकि छाछ को हम लोग मठा बोलते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए मठे के आलू बोलते हैं। एंड दिस इज माय फेवरेट। अगर आपके यहाँ पे नहीं बनते हैं या अगर आपके यहाँ बनते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके घर पे इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको दही के आलू या मठे के आलू बोलते हैं एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं बनाया है, कभी ट्राई नहीं किया है, तो जाके जरूर बनाना। एंड चाय भी बन चुकी है एंड मुझे अब सच में बहुत भूख लग रही है, तो चलो अपना जो खस्ता कचौड़ी पापा लेके आए ना मैं वो खाती हूँ। एंड मम्मा भी बस अपने कपड़े वगैरह धुलने में लगी। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मा नहीं खा रही है क्योंकि मम्मा को ना दही के आलू खाने हैं, इसके लिए मम्मा ने बोला कि नहीं तुम ही लोग ही खाओ ये, मैं तो दही के आलू खाऊंगी। आई हाय, खस्ता खाने से मोटे होते। खस्ता खाने से ओफ, अच्छा ये था रीजन। अच्छा इसीलिए मुझे खिला रही हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा फैट कॉन्शियस लग रहा है ना कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, है ना? नहीं, चलो ठीक है। ये रहे पापा, ऑलरेडी खा रहे हैं यहाँ पे। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम। मम्मी तैयार हो चुके हैं, शाम का वक्त है एंड हम दोनों जा रहे हैं मोती झील। अब वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है तो हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। एंड अभी मैं जितनी अभी ढंग की लग रही हूँ ना, हेलमेट वेलमेट लगाने के बाद मैं उतनी ही फनी लगने लग जाऊंगी। हाँ ले मम्मी देख लो। अभी एक नंबर। चलो हम लोग आ चुके हैं और हम सबसे पहले भुट्टा खाएंगे। आ जाओ। क्या एक ही लोगी? एक ले लो, मतलब उसी समय थोड़ा ज्यादा भूख नहीं है। ना वुलन स्कर्ट्स मिल रही है एंड मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए थी। अच्छी तो लग रही है भाई, 300 रुपीज की है। सी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है एंड प्राइस भी अफोर्डेबल है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। तो और मम्मा ने ना ये जस्ट बगल में एक चटपट वाली शॉप है जिसमें ये सारे स्नैक्स के आइटम मिल रहे हैं एंड हम यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं। मम्मा रेडी हो गई एकदम, मेरे फोटो खींचो। तो ये ना यहाँ कानपुर में ऐसे वो दुबई थीम्ड एग्जीबिशन लगी है। सी आई लव दुबई कार्निवल, अगर आप देख सकते हो। तो इसके लिए ना यहाँ पे सब ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, बट ठीक है, अच्छा यार, फन टाइम है। एंड हम बहुत सही दिन पे आए हैं, आज लास्ट दिन था। आज के दिन मतलब अब ये लास्ट है, इसके बाद है 10 तारीख तक। सही है, पर ठीक है, तब भी आ गए टाइम से अब, क्योंकि फिर 7 तारीख से मेरे 8 से मेरे कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। पिज्जा उधर है, खाना है कुल्लड़ पिज्जा। पानी पूरी नहीं है यार, कहीं पे पानी पूरी खानी है मुझे। हाँ इतना बारिश हुई है तो पूरा ऐसे कीचड़ कीचड़ हो रखा है। ये देखो क्या खाना है आपको बताओ। एक कुल्हड़ पिज्जा ही करवा लें। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ऐसी राइड्स में झूलना पसंद है कि नहीं, आपको डर लगता है मेरी तरह? मेरी मम्मा को तो बहुत अच्छा लगता है पर मुझे पता नहीं बहुत डर लगता है, लाइक चक्कर आते हैं मुझे। हमारा कुल्लड़ पिज्जा रेडी। हाँ ये कारपेट से अच्छी लग रही है ये, मतलब ऐसा है, इतनी साइज में है ये, पर वो वाली ज्यादा सही।
पर ये ना मतलब ऐसे, पर ये लेंथ में है पर चौड़ाई में नहीं। मेरे को मतलब ऐसे वीडियोस के लिए चाहिए, तो थोड़ी सी ऐसे चौड़ाई में भी पड़ी हूँ, तो मैं वीडियो के लिए भी और मतलब अपने ऐसे बेड के लिए भी हो जाए, दोनों ही हो जाए। फाइनली मैंने अपने लिए कारपेट ले लिया है, मुझे ये 350 की पड़ी, 300 सॉरी। मम्मा फायर पान खाने जा रही है। मम्मी आई यू एक्साइटेड? डर लग रहा है मम्मी के, मम्मी के चेहरे में फिर तो नहीं लग रहा। हम वापस घर आ चुके हैं, बीच में बस इसे पनीर टिक्का खाने के लिए रुके थे, वो चीज मैंने ब्लॉग नहीं की थी क्योंकि मेरा मन था यार कि थोड़ी देर ऐसे फोन अंदर रख के रहने दो। एंड बस अब घर आ गए हैं। हमने जो ये कारपेट ली थी तो मैंने दिखाई थी, और फिर वो ब्लैक कलर की स्कर्ट ली थी और कुछ नहीं। सो या बाय दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो, माय न्यू ईयर व्लॉग। काफी सिंपल सा एंड छोटा सा व्लॉग होगा क्योंकि लाइक आई जस्ट थॉट कि चलो ठीक है, मैंने जैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है ना, वैसे हम इसको मैं आपको डॉक्यूमेंट करती हूँ। लाइक 2024 की स्टार्टिंग को मैंने ऐसे कैमरा में कैप्चर कर लिया है फॉर यू ऑल। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाई।